नमस्कार। चार नंबर की राशि कर्क राशि, फीलिंग वाली राशि, जल तत्व की राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आइए जानते हैं आने वाला अप्रैल महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपको बता दें कि अप्रैल मंथ के अंदर शनि को छोड़कर हर ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि भला इसका हमको क्या मतलब है, ग्रह बदल रहे हैं तो क्या होगा। तो इसीलिए तो हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ग्रह बदल रहे हैं तो क्या होगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो सब ग्रह की ट्रांजिट चेंज हो रही है शनि को छोड़कर, ये आपको एक मोशन में लाने वाले हैं, आपको फास्ट गति में लाने वाले हैं। क्योंकि जब भी ऐसी ट्रांजिट होती है, सब ग्रहों की ट्रांजिट होती है, तो जो रुके हुए हैं काम, ये काम पॉसिबल बनते हैं, स्पीड आती है, गति आती है, कामकाज के अंदर प्रोग्रेस होता है, रुके हुए काम पूर्ण होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया भी पूरी रोटेशन में आने वाली है और प्लेनेटरी सिचुएशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में ऐसा है कि सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट है वो मीन राशि के अंदर है। 14 अप्रैल तक सूर्य भाग्य भाव के अंदर है, जो भाग्य में वृद्धि करने वाला है और आपके हेल्थ के रिगार्डिंग आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सूर्य है ये केंद्र में जाने वाले हैं और उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो 14 अप्रैल को सूर्य सुबह में राशि परिवर्तन करते हैं 8:14 को। तो 8:43 सुबह में 8:43 को चेंज होता है। तो इसको बोलेंगे मेष संक्रांति। मेष संक्रांति का पुण्य काल जो है वो सुबह में सूर्योदय से लेकर दोपहर में 12:30 तक रहेगा। संक्रांति काल का विशेष महत्व इसलिए है फ्रेंड्स के संक्रांति काल में हम जो कुछ भी दान पुण्य मंत्र करते हैं इसका हमको विशेष शुभ फल मिलता है। तो सूर्य एक तो भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, बिजनेस करियर कारोबार में प्रोग्रेस करने वाले हैं, गवर्नमेंट में जो कोई भी जातक है इनके लिए प्रमोशन भी हो सकता है, आपका अच्छी जगह पे पोस्टिंग हो सकता है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और सरकार से भी लाभ करने वाले हैं, पिता से भी लाभ करने वाले हैं। तो ये सूर्य ग्रह का ट्रांजिट आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ रहेगा, भाग्य स्थान के अंदर और कर्म स्थान के अंदर, दोनों स्थान के अंदर। और इसके साथ साथ सूर्य के साथ साथ गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे। जो गुरु कुंभ राशि में चल रहे हैं ये गुरु का भी ट्रांजिट चेंज हो रहा है। गुरु 13 अप्रैल को राशि बदल कर मीन राशि में चलेंगे, आपके भाग्य स्थान के अंदर चलेंगे। तो भाग्य भाव में जो गुरु का फल होगा ये भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। आपके जन्म के चंद्र के साथ ये नव पंचम योग करेंगे जिसके कारण आपकी मानसिक समतुला प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले बनेंगे। गुरु आपके साहस में वृद्धि करने वाले बनेंगे। गुरु आपके पंचम स्थान में दृष्टि के कारण आपके संतानों का भी प्रोग्रेस करने वाले बनेंगे। मंगल ग्रह का ट्रांजिट 7th हाउस में है, शनि के साथ हैं और मंगल जो है वो 7 अप्रैल को बदलते हैं और 8वें स्थान में चलेंगे। तो मंगल का फल ठीक नहीं है, 8वें स्थान के अंदर मंगल थोड़ा सा नेगेटिव है, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। और राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु रावण स्थान में से निकलकर चलेंगे आपके 10वें स्थान के अंदर। उनकी लाक्षणिकताओं के हिसाब से जैसे कि राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो केतु जो है वो 5वें स्थान से निकलकर चलेंगे 4थे स्थान के अंदर। तो 10वें स्थान में राहु और 4थे स्थान में केतु, तो राहु का जो फल 10वें स्थान में शुभ माना गया है ये खास करके आपको बिजनेस करियर में आपको अपग्रेड करने वाले होंगे। और यदि आपका कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, बाहर से कुछ काम करते हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं, तो आपका ये निश्चित प्रोग्रेस करने वाले हैं। केतु 4थे स्थान के अंदर होने के कारण मकान वाहन प्रॉपर्टी लेना बेचना कुछ भी करना है तो जल्दबाजी में आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बुध ग्रह का ट्रांजिट जो है वो मीन मेष एवं वृषभ राशि के अंदर है। बुध भी बहुत फास्ट चल रहे हैं इस मंथ के अंदर। तो बुध जो है वो 8 अप्रैल तक
मीन राशि के अंदर है, भाग्य भाव में नीच राशि के अंदर है, लेकिन 8 के बाद बुध चलेंगे 10वें स्थान के अंदर, तो यहाँ पर आपके बिजनेस कारोबार को प्रोग्रेस करने वाले होंगे। 24 तारीख तक बुध 10वें स्थान के अंदर है और बदलने के बाद बुध चलेंगे इलाहाबाद स्थान के अंदर, तो ये मंथ जो है बिजनेस करियर के रिगार्डिंग एक्सट्रीमली शुभ संदेश लेके आया है। आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बिजनेस कारोबार में प्रोग्रेस होने की जबरदस्त इंडिकेशन इस मंथ के अंदर है। और यदि आपके जन्म के सूर्य भी कर्क राशि के अंदर है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15-16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में आपका जन्म, 14-15 अगस्त के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके कर्क राशि में है, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो दो प्रकार से होता है, सूर्य से और चंद्र से। तो सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो फिजिकल है, जबकि चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो मानसिक है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में है कर्क राशि में, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो अब बात करेंगे कौन कौन से डेट्स आपको टेक केयर करना है। चौथा, आठवां, बारहवां चंद्र। सबसे पहले बारहवां चंद्र होगा इस मंथ के अंदर, 7, 8, 9 मिथुन के चंद्र होंगे, तो उसमें आपको लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का आता है, तो जल्दबाजी में नहीं लेना है। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 16, 17, 18 तुला के चंद्र, चौथे स्थान के चंद्र, इसमें भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। और 25, 26, 27 कुंभ के चंद्र, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, अननेसेसरी कोई स्ट्रेस ना रहे इन तारीखों के दरमियान, और पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर केयरफुल रहना होगा। और नदी समुद्र तालाब किनारे आप घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, इस मंथ का सारांश क्या रहेगा? इस मंथ का सारांश ये है कि आप निश्चित प्रोग्रेस के पथ के ऊपर जा रहे हो, आपका बिजनेस और करियर इम्प्रूव होने वाला है, आपका फाइनेंस इम्प्रूव होने वाला है, तो आपका जो आने वाला समय है आपके लिए खुशियों भरा है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लव मैटर में है ड्यू टू मंगल, मंगल इन द 7th एंड 8th हाउस इन दिस मंथ, सो शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विद पार्टनर, बट द वीनस ट्रांजिट इज जो शुक्र है ये 31 मार्च को कुंभ राशि के अंदर आ जाते हैं, जो 27 अप्रैल तक है शुक्र, तो शुक्र आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाला है। तो बिजनेस करियर अच्छा है, लव मैटर में सक्सेस है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है, तो और क्या चाहिए? तो गो अहेड कर्क राशि अप्रैल 2022। नमस्कार।